होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। मोदी के व्यक्तित्व पर भाजपा ने लगाई प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत आज आकाश मेडिकल के सामने लाल सोट हाईवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की 56 प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम संयोजक मुरली गौतम ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर पूर्व विधायक हंसराज शर्मा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवा पखवाड़े के जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री हरिकेश मीणा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके पश्चात पदाधिकारियों ने अतिथियों का पार्टी का दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक हंसराज शर्मा ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में भारत डॉक्टर भरतलाल मथुरिया, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आशा शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने भी मोदी के व्यक्तित्व से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा, जिला उपाध्यक्ष हरिओम गर्ग, जिला मंत्री जम्बू जैन, हरिप्रसाद गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष तनवीर अहमद, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कपिल जैन, पूर्व सभापति कमलेश जैलिया बजरिया, मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष श्री चरण महावर, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, पार्षद राम सिंह गुर्जर, पदम जैन, चंदन सिंह नरुका, पूर्व पार्षद नील कमल जैन, अलका शर्मा, जगदीश बरनाला, व्यावसायिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक हरीश कप्तान, नगर परिषद प्रत्याशी ओम प्रकाश डंगोरिया, शिक्षा प्रकोष्ठ मधु मुकुल चतुर्वेदी, शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक मोहनलाल कौशिक, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश भारद्वाज, महामंत्री अजय बसवाल, सचिन जय सैनी, रवि शर्मा, संजय सिकरवार, दुर्गा दत्त सैनी, संतोष मथुरिया, सुधीर शर्मा, अजय गौतम, दुर्गा शंकर शर्मा, मनमोहन गौतम, सौरभ जैन, पुष्पेंद्र मीणा सहित कई भाजपा पदाधिकारी एवं आम जन ने उपस्थित रहकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के समापन पर संयोजक मुरली गौतम ने सभी का आभार जताया और धन्यवाद ज्ञापित किया।